आइडिया क्या? हेलो सर, ये क्वेश्चन ये रहा कि आइडिया जो है वो पिछले 2 साल का बना है या फिर 1 साल छोड़ के फिर उसके पहले 2 साल? नहीं, है क्या जो आपका, आप कंफ्यूज उस चीज में हो रहे हो कि वहां पे लिखा हुआ है 2021 और 2021-22, है ना? वो फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, तो उस फाइनेंशियल ईयर का जो आपका आईटीआर बनता है, वो आईटीआर बनता है 22-23 में, समझ रहे हो? तो जो आपने लास्ट ईयर जो आईटीआर भरा है वो, और उसके लास्ट ईयर जो भरा है वो दो आईटीआर कंटिन्यूअस वाले लगेंगे। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि 1 साल छोड़ के आईटीआर लगेगा, 1 साल छोड़ के नहीं, कंटिन्यूअस लास्ट 2 ईयर वाले जो हैं वो आईटीआर आपको सबमिट करना है। सर एफी, हेलो हाँ सर, बोलिए। एफी डेबिट का सर कौन सा ईयर सर रहेगा सर, प्रीवियस ईयर और सर जो प्रीवियस करंट का? प्रीवियस ईयर 2 साल के जो जो 2 साल वाली इनकम है वो रहेगा आपका, लास्ट 2 ईयर वाला। सर 21-22 तो 22-23 था सर। हाँ, उसके अंदर जो है, लेकिन उसमें वो फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा हो गया, 2021 और 2021-22 हो गया फाइनेंशियल। असेसमेंट ईयर आपका 22-23 और 2021-22 हो गया। ये थोड़े टेक्निकल, एफिडेविट में सर हाँ टेक्निकल, वहां पे जो एफिडेविट में आपको लिखा ना, वो एनुअल इनकम वही लिखना आपको जो उसमें मेंशन किया हुआ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके ठीक है, और बताइए, और क्या क्वेश्चन है किसी का? सर ओके सर सर ये एफिडेविट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का साइन कंपलसरी है क्या? नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता सिर्फ नोटरी का करा लो, लेखपाल का करा लो। अगर लेखपाल भी नहीं कर पाता, टाइम लगता है, तो नोटरी इनफ है। नोटरी एनफ है। ओके थैंक यू सर। सर ये पूछ रहे थे कि सर जैसे फाइनेंशियल ईयर पिछले 2 साल के एफिडेविट के लिए सर वो ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट मैं दोनों लिखना पड़े? ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे ग्रॉस और नेट लिखा हुआ है उसके प्लेस पर आप एनुअल इनकम लिख सकते हैं, दोनों को के जगह पर दोनों को हटा दो, वहाँ पे एनुअल इनकम डाल दो सिर्फ। ओके सर थैंक यू सर। ओके सर ये हम एमएलए या फिर कॉर्पोरेटर वगैरह से साइन करवा सकते नहीं, क्या? एमएलए के साइन नहीं चलेंगे मेरे भाई। आप नोटरी करा लो ना, जहाँ से आप स्टाम्प पेपर ले रहे हो ना, वो नोटरी करके देते हैं, नोटरी करेंगे वहीं से आपका काम चल जाएगा। लेखपाल या अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के करा सकते हो, तहसीलदार के वेल एंड गुड है। ठीक है, तहसीलदार भी चलेगा? हाँ चल जाएगा, वो मोहर लगा के देते हैं ना, अपनी सील वील लगा के देते हैं, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाँ ये अभी, आपने बताया कि ये ग्रॉस इनकम और नेट इनकम बता दो, वहां पे एनुअल लिखा पर वहां पे तो डायरेक्ट लिखा जिन्होंने लिखवा लिया है सब कुछ। जिन्होंने जिन्होंने पहले से लिखा हुआ है उनका कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने जो नया बनवा रहे हैं वो चाहे तो, वो कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए मैंने बोला, जिन्होंने बनवा लिया है उनका कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने भरवा लिया ग्रॉस एंड नेट लिखवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट हेलो, हेलो सर, बोले हैं डॉक्यूमेंट्स का स्कैंड कॉपी भेजना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपको मैंने बताया, एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे वो आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में आपको शेयर करना है, ठीक है, और कितना केबी का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कब होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन आप आज करा लो, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आईटीआर है, एफिडेविट है, या बीपीएल है, या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, हमें कल दो, जिनके जिनको आईटीआर नहीं मिला उनका सबका आज आईटीआर बन जाएगा, कल तक हमें सबके रजिस्ट्रेशन करना है। सर कितना केवी में होगा वो सब आपने कीजिएगा। अरे भैया वो बता देंगे ना आपको, आप अगर कर सकते हैं वेल एंड गुड है, आपको नहीं हो रहा तो टीम कर लेगी। केवी भी नहीं करने आता।
तो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी हेल्प हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है अभी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो बेसिक डिटेल्स है सर वो आप उसका डेमो भर के अरे दिखाएंगे भैया सर? अभी अभी सुनो वैभव, अब इनको डेमो दिखा दो सभी को कि बेसिक डिटेल इनको कैसे फिल करना है। सर मैं बताता हूँ सर, एक इसलिए क्वेश्चन और दो सर। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं? वो अभी वैभव दिखाएंगे आपको क्या क्या अपलोड करना है, सारी चीजें कहाँ पर क्या करना है वो अभी बता देंगे, डोंट वरी। सर प्रीवियस ईयर एफिडेविट में, सर प्रीवियस ईयर एफिडेविट में जो हमें इनकम लिखनी है लास्ट 2 ईयर की, तो सर उसके लिए प्रूफ क्या देंगे? करंट में तो सर हमने इनकम लिखवाई, इनकम दे दी। प्रीवियस ईयर में आपके पास ITR है या EWS है लास्ट 2 ईयर के, वो देना है। बनने को दिया है जिनको नहीं मिला आज मिल जाएगा, वहाँ पर जिन्होंने बनने को दिया है वहाँ पे 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपए लिखवाना है वहाँ पर आपको। सर दोनों ईयर में 2.5 लिखवाना है, तो हाँ। ठीक है एनुअल करके ग्रोस और वो नेट हटा के डायरेक्ट एनुअल? हाँ एनुअल करा दो कोई दिक्कत नहीं उसको। ओके सर। ठीक है और सर अगर ITR का इनकम और EWS का इनकम सर्टिफिकेट का इनकम मैच नहीं होता तो कोई दिक्कत होती है क्या? दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए ना, तभी तो ये आपसे मांग रहे हैं एफिडेविट। एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं कि हाँ आपका इतना इनकम है, आप इसको वेरीफाई करते हो। कल को अगर आपको यूनिवर्सिटी कंसेशन देती है और कंसेशन देने के बाद ये एजेंसी को वेरिफिकेशन के लिए देती है डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप फेक पाए जाते हो 400 VC में जेल भी भेजेगी और पूरा पैसा वापस लेगी आपसे। तो सर प्रीवियस ईयर में तो सर हमारा इनकम 2.5 लाख है ही नहीं, तो सर 2.5 लाख कैसे लिखेंगे? यस ITR है, ITR तो बनवा रहे हो ना। सर ITR तो बनवा रहे हैं। हाँ तो जब ITR बनवा रहे हो तो ITR वो ITR से चेक होता है, वो समझ रहे हो ना, वो ITR से चेक होता है। रियल में कोई जाके नहीं चेक कर रहा आपका कितना इनकम है कितना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो सर ITR के बेसिस पर 2.5 लाख लिखवा देना है। हाँ। सर चलो वैभव एक बारी थोड़ा भैया वैभव दिखाओ इनको, जरा डेमो दिखा दो एक बारी। भैया एक क्वेश्चन आता सर प्लीज। हाँ बोलिए। सर मेरा EWS 22-23 का, तो सर सॉरी सर 23-24 का है केवल, तो सर मैं कैटेगरी में EWS ही डालूंगा ना, और EWS सर्टिफिकेट अपलोड? हाँ कैटेगरी में EWS ही डालना अगर आपके पास EWS है। ठीक है लेकिन EWS का रैंक है आपके पास, यस सर। हाँ तो वही डालना, बाकी अभी वैभव बताएंगे सारी चीजें यार। वैभव इनको नॉर्मल वाला फॉर्म है वो एक बार इनको दिखाओ कैसे उसको फिल करना, बेसिक डिटेल सब लोग फिल करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे हमारे टीम के साथ, तो एक नंबर मिलेगा उस नंबर पे आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपको पेमेंट वेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको खुद वेरीफाई करके उसको सबमिट करना है। कल एक बार पहली सप्लाई कर दो। लोन का रजिस्ट्रेशन भी कराया है ना, वो डिपेंडेंट है पूरा कि रजिस्ट्रेशन भी करके बैठे हुए काफी लोग हो गए इसमें तो, है ना? इसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, तो मैं तुम्हें वो प्रोसेस बताने वाला हूँ जो आपको करना है, ठीक है? जो आपको परफॉर्म करना है, बाकी का पार्ट रेस्ट का पार्ट स्क्रीन पर छोड़ दीजिए। जिसका भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप अपना आईडी भेजना, यूनिक आईडी, वो वेरीफाई करेगा, देन आपको हेल्प करेगा। और जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, फ्रेश आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही सबको? हेलो एम आई ऑडिबल? आवाज स्लो आ रहा, ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं यार सही आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपकी, लेकिन ब्रेक बहुत देखी।
It's your net issue, I guess. Not mine. So please everyone mute. And जहाँ पे भी अगर net issue होता है तो आप type कर देना सब लोग, ठीक है ना, chat में. बहुत सही आ रही है आवाज. So let's continue. मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको वो information बताने वाला हूँ जो आपको भरनी है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है. जो information आपको भरनी है, rest आपको क्या करना है, आपको team पर छोड़ देना है, ठीक है. रेस्ट जो है आपको टीम पर छोड़ देना है. क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और मैं बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है. जब आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भर लोगे, जितना मैं वीडियो इस मीट में बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है. उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको कॉल करना है, अपना यूनिक आईडी बतानी है, वो वेरीफाई होगी, देन आपको वो भैया या जो भी दीदी वगैरह होंगे वो हेल्प करने वाले हैं, आगे के काउंट करते हैं. फिर वो उनका रेस्ट ऑफ पार्ट है कि भाई वो करना तुम्हारा फॉर्म फिलिंग करते हैं, ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है. बट यार जब आप कॉल करते हो ना तो मेक श्योर कि आप पहले उनसे डॉक्यूमेंट्स पर रिलेटेड पूछ लो और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे. मेरे पास काफी कॉल है, ठीक है ना, उन्होंने ना रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो अपने पर्सनल डिटेल्स फिल कर रखा था, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, वो मैडम का कर दिया. बट दिक्कत ये थी कि यार उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे तो उनका फॉर्म बीच में अटक गया. अब उनको दो तीन दिन हो गए डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो आप पहले मेक श्योर करो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी रेडी हो सकें, आप किसी को कैटेगरी में कॉल करते, ठीक है, चाहे आपको आपका कंडीशन चाहिए नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी है, ठीक है, आपको कंडीशन वगैरह, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए. तो मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सारे रेडी होंगे तो आपका फॉर्म सिर्फ आधे घंटा लेगा फिल करने में, ठीक है. तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो अभी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और मैं तुम्हें फिल्ड फॉर्म के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, जो ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म है, ठीक है ना, उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अगर किसी को नहीं दिखे तो प्लीज स्क्रीन करो, ठीक है ना, वो बड़ा दिखेगा स्क्रीन. अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना, ठीक है, बढ़िया, ग्रेट. अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक आ रहा है लॉगिन, ठीक है. ये पार्ट वन था वेबिनार का, पार्ट सेकंड अभी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है. तो आपका पार्ट टू भी बहुत जल्दी आने वाला. वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लो, शेयर कर लो. पार्ट टू इस चैनल पर नहीं आएगा, पार्ट टू हमारा आएगा आपका सारथी जॉब मार्शल पर, आपका सारथी जॉब मार्शल पर. तो जल्दी से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए. आपका AAPKA सारथी SARATHI सारथी जॉब मार्शल हमारा एक चैनल है, उस पर जाएंगे तो सेकेंड पार्ट उस पर आने वाला है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है. चलिए, जय हिंद जय भारत. इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो.